मलपुरा क्षेत्र के नगला शंकरलाल के श्री नाथपुरम में ब्लॉक खिरागढ़ में वरिष्ठ सहायक पद पर तैनात भूपेंद्र सिंह के बंद मकान को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। वही भूपेंद्र सिंह का परिवार मूल रूप से जगनेर निवासी है और वह इन दिनों ग्वाल बाबा का मेला देखने अपने पैतृक गांव गए हुए थे। बंद मकान और मौके का फायदा उठाकर चोरों ने मकान पर हाथ साफ कर दिया, मकान का ताला तोड़ दिया। बता दें कि चोरों ने 1 लाख नगद और 1.5 लाख के आभूषण चोरी कर ले गए हैं। पूरा मामला आगरा जगनेर रोड स्थित थाना मलपुरा का है, जहां थाना मलपुरा के नगला शंकरलाल स्थित श्रीनाथपुरम बीदा कॉलोनी नगर कॉलोनी में भूपेंद्र पिता दामोदर प्रसाद ब्लॉक खैरागढ़ में वरिष्ठ सहायक पद पर तैनात हैं। भूपेंद्र मूल रूप से कस्बा जगनेर के निवासी हैं। उनके भाई और परिवार के सदस्य आगरा जगनेर रोड स्थित मकान पर रहते हैं। और बता दें कि 10 तारीख को भूपेंद्र का परिवार जगनेर के प्रसिद्ध ग्वाल बाबा मेला देखने गया हुआ था। वहीं उनके परिवार के सदस्य अपने पैतृक गांव में ही रुक गए। भूपेंद्र के भाई प्रदीप अपने भाई के साथ जब घर वापस आए तो उन्हें घर का ताला टूटा हुआ मिला और उन्हें घर में अनहोनी की आशंका हुई। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। थाना मलपुरा पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। परिवारजनों ने बताया कि चोर उनके मकान से सीसीटीवी कैमरे के फुटेज डीवीआर के साथ साथ 1 लाख रुपए नगद, मां विजय रानी का मंगलसूत्र, 4 अंगूठी और सोने की चूड़ियां लेकर भाग गए। जिस पर एसओ मलपुरा तेजवीर सिंह ने बताया, नगला शंकरलाल में चोरी की घटना की सूचना मिली। पुलिस टीम मौके पर पहुंची है, पुलिस को भेजा है, जानकारी जा रही है। तहरीर अभी प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने के बाद विधिक कार्यवाही की जाएगी। आगरा से संजय सिंह तोमर। क्या हुआ है यहाँ? चोरी हुई यहाँ पे। कितने की चोरी हुई है? ये मतलब 1.5 लाख, मतलब समझने में कैश था, मतलब 1.5 लाख का आभूषण था। तो क्या पुलिस को सूचना दी आपने? फिर हमने आके देखा तो मैं ताला नहीं मिला। क्या बजे आए यहाँ? हम 11:30 बजे आए थे। अच्छा, क्या देखा फिर? फिर अंदर अफरा तफरी, सामान इधर उधर, बेड इधर उधर, सब कुछ किधर, सब सामान इधर उधर। डीवीआर भी ले गए? डीवीआर को भी ले गए, मतलब जो सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं डीवीआर को भी ले गए, मतलब कुछ नहीं।